नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। वेदे रामायणे स्वैव पुराणे भारते तथा दुचन्ति च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मोकं करोति वाचालं उपङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपासमं वन्दे श्रीगुरुदिनधारिणे परमानन्दमाधव परमानन्द हे माधव पादुगाडुचि मकरन्द परमानन्द हे माधव पादुगाडुचि मकरन्द से मकरन्द पान करी आनन्दे बोलो हरि हरि से मकरन्द पान करी आनन्दे बोलो हरि हरि हरिंक नामे बांध भेला पारि करिबे चका डोला हरिंक नामे बांध पारि करिबे चका डोला से चका डोलांक पयरे मन मोर हो निरंतरे से चका मन मो निरंतर रहो हा कृष्ण बोले जीव जाओ मन मो निरंतर रहो हा कृष्ण बोले जाओ जीव मोते उद्धर राधा धव हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव मोते धर राधा धव मोते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री श्री गौरनिताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री राधा माधव जीव श्री लक्ष्मी नृसिंहदेव पाद पद्मरे मर प्रणति निवेदन करी इस्कन प्रतिष्ठा आचार्य श्री सीमादेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज पाद पद्मरे मर प्रणति निवेदन करी समस्त साधु गुरु वैष्णव तथा उपस्थित श्रीमद भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज पाद पद्मरे मोर प्रणति निवेदन करी समस्त भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद को मोर प्रणति निवेदन करी आज आम भागवतमर अंतिम दिवस षष्ठ दिवस कथा कहवा यो आम कथा कहचे ये हूँ विदुर एवं उद्धव संवाद ये समग्र जो दशम स्कंदर जो भागवत नब्बेटी अध्याय रही तार सार यही कहुई तेणु ये जो चारोटि अध्याय आम दुईटी अध्याय गत काली पर्यंत शेष करते पांच दिन में ये दुईट अध्याय शेष करते कि भाव में उद्धव को दर्शन भेटुस विदुर वृंदावन रमुना नदी तटे एवं सी जादव मान कौरव मान तथा भगवान विषय प्रश्न सब पचार अंतिम से कहले हे सखे जदिओ उद्धव तांको पुत्र समान किंतु तांको सखा बोली संबोधन करुछंती हे सखे
वार्ता कीर्ति तीर्थ कीर्ति भगवान जहाँ गोटे नाम होती तीर्थ कीर्ति जहाँ बहुत पुण्य रही विषय जो श्रवण करेंगे ये बहुत बड़ पुण्यर कथा तीर्थ कीर्ति बा पवित्र करदेव तर कथ से विषय मत कहतु जदि मुझे विषय प्रश्न पचारि किंतु आपण वार्ता कीर्तय तीर्थ कीर्ते यही भाव में कहवर द्वितीय अध्याय आम शुणुले कि भाव में उद्धव कथा कहते सी कही पार नी कथा भगवान विरह से मूर्छा प्राय कि रही थे तेणु आचार्य मैंने कहते विदुर जिते बड़े उद्धव कहते उच्च स्वर से कहते पाखे जड़े लोक बस मैंने आम एत उच्च स्वर से कहवा ना कि उच्च स्वर से कहते कारण से जानते सी बर्तमान ध्यानस्थ रही तेणु ये सब शुणिकी उद्धवंर आस्ते आस्ते से कह शुणुले कि भाव से भगवत धाम रु पृथ्वी पृष्ठ को आसिले भगवान सहित जो मैंने बास कर मैंने भगवत धाम रोचान भागवत एकादश स्कंद पच्चीस अध्याय भगवान कहते मन निकेतंतु निर्गुण भवे भौतिक जगत रे सब स्थान गुणर प्रभाव रही जमती कौन ना वनस्तु सात्विक बास वन जो मैंने रोचे से सत्वगुण प्राधान्य रही ग्राम रजस उच्चते ग्राम जो मैंने रोचे रजगुण प्राधान्य रही जो मैंने कौन ना जो मैंने ये विभिन्न प्रकार जो मध्यपद्य सब स्थान जो करा तमगुण स्थान किंतु मन निकेतन तु निर्गुण भवे ये मंदिर भगवान निकेतन भगवान गृह ये हूँ गुणर उवर्धरे निर्गुण भवे तेणु से भगवान चिंतार रही थे बर्तमान वैकुंठ धाम रु पृथ्वी पृष्ठ को आसिले से कथा कहले कि भाव से विलाप कर भगवान विरह आम द्वितीय अध्याय शुणुले के सुंदर सुंदर श्लोक सब रही बहुत सुंदर सुंदर श्लोक भगवान लीला को से स्मरण कर विशेष भाव में वृंदावन लीला को सब स्मरण करुले कि भाव में पिला दिन वसुदेव देवी पुत्र रूप से जात हो आसिले मथुरा को आसिले मथुरा आसिले वृंदावन को नंद महाराज यशोदा से मैंने से समय गोकुल वृंदावन विभिन्न स्थान रे भगवान बास कर तीन वर्ष काल गोकुल रे महावन तापर वृंदावन को गले राधाकुंड निकट रे राधाकुंड वृंदावन मझे जो स्थान रही रोते सी भगवान स्थान नाम हूँ बसौती तापर से गल नंदग्राम ये भाव में प्राय मुख्यतः ये तीनो स्थान से रही थे कहुए एगार वर्ष काल से विभिन्न स्थान सब रही सब स्थान लीला को भगवान भगवान लीला को संक्षेप सब वर्णना कले वृंदावन लीला को वर्णना करपर बर्तमान तृतीय अध्याय आम आरंभ करवा तृतीय अध्याय कथा कौन एक नंबर श्लोक आज आम तृतीय और चतुर्थ ये दुईट अध्याय रही तेणु आम संक्षेप कह आज शेष दिवस तेना संक्षेप कह जो मान आग्रह जहाँ हम से पाठ करेंगे विस्तार भाव पढ़े जिते पढ़ले मत से ये हो पार ना तृप्ति पाईपर ना भगवान कथा ये रही तेणु तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम श्लोक वृंदावन बाहर भगवान लीला को स्मरण कर उद्धव तेणु प्रथम श्लोक कौन उद्धव उवाच तत स्वागत पुरंस पित्रो चिकीर्षया संबलदेव संयुत निपात तुंगाद्रिपुजूथनाथ हतं व्यकर्षद व्यसमोर्ज स्वर्व्याम तत कहले वृंदावन लीला शेष हो गला भागवत में विस्तार भाव से वर्णना करणना कर दशम स्कंद को अध्याय ना छत्तीस अध्याय वर्णना करते भगवान अरिष्टासुर को बद्ध कले से समय नारद मुनि जा कंस को कहले कहले तुमर जो तुम जो चिंता कर देवकी अष्टम गर्भ किए सी हूँ कृष्ण जी नंद पुत्र रूप रही
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି, ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଂସକୁ କହିଲେ, କଂସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ବସୁଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି ବହୁତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସିଏ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀକୁ, ଆମେ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପ କହିଦେବା, ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଆସୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଥିଲା, କଂସ ନିଜେ ସେ ରଥକୁ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତୋତେ ହତ୍ୟା କରିବ, ଅଶ୍ୟାସ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ହନ୍ତା ଯାହା ବସେ ବୁଦ୍ଧ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଯାହାକୁ ବହନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତୋତେ ହତ୍ୟା କରିବ। ଏ ଶୁଣିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦେବକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀକୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ଛାଡ଼ିଲେ ନା, ବସୁଦେବ ସିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ପୁତ୍ରାନ୍ତ ସମାପେଶ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭୟ ଉତ୍ଥିତମ, ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ କଂସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସୁଦେବଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଯାହା ହେଲା ସେ ସନ୍ତାନକୁ ବସୁଦେବ ଆଣିକି ଆସିଲେ କଂସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଂସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ବସୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁବୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆକାଶରେ ଦେବତାମାନେ ଦୁନ୍ଦୁବୀ ନାଦ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତୁମେ ଆକୁ ନେଇଯାଅ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରଦ ମୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କଂସ ଏ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଏ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ କିଏ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହେଳିକା ଦେଖାଇଲେ। କଂସ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଆଣିକରି ବନ୍ଦିଶାଳରେ ରଖିଲା ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବଦ୍ଧ କଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସେ ଜାତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବସୁଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଦେବକୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଶିଳାରେ କଚାଡ଼ିକିରି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ହୃଦୟ କିଭଳି ନହଉଥିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛଅ ବର୍ଷ କାଳ ଛଅଟି ସନ୍ତାନକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ଏତେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ, ଆମେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ବଳରାମ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କ'ଣ, ଦେବକ୍ୟା ଜଠରେ ଗର୍ଭମ ସେ ସାକ୍ଷ ଧାମ ମହାମକମ ତତ୍ ସନ୍ନିକୃଷ୍ଟ ରୋହିଣିଆ ଉଦରେ ସନ୍ନିବେଶ। ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଶେଷ ଦେବ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋର ଧାମ, ମୋର ବିସ୍ତାର। ତାଙ୍କୁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛେ, ବସୁଦେବ କ'ଣ କଲେ, ସେ ରାତାରାତି ଅଧର କଥା, ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ସେହି ରାତାରାତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ ଗୋକୁଳରେ ଏବଂ ନନ୍ଦଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଆଣିକି ଆସିଗଲେ, ଆମେ ସେଠି ସେଦିନ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଂସ ସେ କନ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ କନ୍ୟା ତାର ହାତରୁ ପଳିଗଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇକରି କହିଲେ, ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି କଂସଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ, କହିଲେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ସେ ବନ୍ଦ କର। ତେଣୁ କଂସ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କୁ କଂସ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ କୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସି ବନ୍ଦୀ କଲେ ଏବଂ ଏଣେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ମଥୁରାକୁ ପଠାଇଲେ, କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମକୁ ଆଣ। ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ଯାଇକି ଆଣିଲେ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 36 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏସବୁ କଥା, 36 ରୁ 38 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ
भगवान जाए मथुरा को गले, मथुरा रे 18 वर्ष काल रहीकि कंस को हत्या कले, 23 खुणी लेखा सैन्य को हत्या करुले जरासंधकर, ये सब कथा संक्षेप सब कही सारी। तेणु से कथा ये कहुच्छे ततस् आगत पूरा स्वपितृ। तेणु अक्रूर जो गले आई से आसिले ततस् आगत पूरा स्वपितृ। पूरा कहले मथुरापुरी को आसिले सी कौन पाई ना स्वपितृ चिकित्सा संग बलदेव संयुक्त बलदेव सहित से आसिले पितांगर संग कहले शांति प्रदान करने आनंद प्रदान करने संग। तेणु ये सब लीला दशम स्कंध 44 अध्याय वर्णना करी भाव भगवान कंस को हत्या करते कथा को संक्षेप कहते निपात तुंगा रिपुजुथ नाथ से जो मल्लयुद्ध होता गोटे विराट बड़ स्टाडियम होता सीटा पृथ्वीर विभिन्न राजा मान सब आसते सब प्रकार व्यक्ति मान सब आसी मुनि ऋषि मान आसी सब रही कंस सब बड़ मंच बसला उच्च मंच बसला तेणु भगवान से मंच को डेक पड़े से डी पड़े एवं कंस को हत्या कले से कथा कह निपात्य तुंगाद रिपुजुथ नाथ तुंगाद कह बहुत उच्च गोटे मंच कर भगवान डेक कंसर चुट्टी धरिकी तलू पकईदे निपात्य नितरांग पात्य पक पक तार मृत्यु होगला निपात्य तुंगा ये उच्च मंच रु पकेले रिपुजुथ नाथ शत्रु मानकर मंडल ये हो मुख्य रिपुजुथ नाथ। तेणु हतंग व्यकसत व्यसमोज स्वर्व्याम तेणु से जो पड़गला कंस पकईदे भगवान मत ताऊपर डेले डेरी कौन कले ना ताकू तार जो चुट्टी धरिकी से जो रही मल अंगण रही से चारिड़े घोषारे चुट्टी धरिक घोषारे कथा कह व्यसुम मोज स्वर्व्याम व्यकर्षत विशेष रूप से आकर्षण करते कारण तथा समस्त भय था ये कंस मरी ना विराट बड़ा तार शक्ति के नाला। तेणु व्यसु मोज तार जदि मृत्यु हो जाता व्यसु आम सका कहते जगह ना प्राण ना कि तथापि से चारिपटे बुलेले घोषारी 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 ने पर्वत भाया रही है भगवान छोट पिला आम कही दशम स्कंध 43 अध्याय वर्णना कर किभली भाव भगवान जो से मल्ल अंगन में प्रवेश करे जिते सब थे हजार हजार दर्शक थे किए कौली भाव भगवान दर्शन करुले दशम स्कंध 43 अध्याय वर्णना कर मल्ला नाम असनीर अष्ट मल्ल जो थे से देखुले लगुले ये गोटे वज्र ये गोटे पहाड़ भाई जदि एगार वर्ष बाड़क छोट शिशु यही भाव भगवान हो रस वही समस्त रसर से होते आधार। तेणु जार जो भाव भाव रही से भाव दर्शन करुले भगवान को एवं मृत्युर भोजपते भोजपते कहले कंस जिते देखुला लगुला ये मोर मृत्यु पखापाखि 19 वर्ष काल से सब चिंता करुला आसीन संबिशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम चिंतन ऋषिकेश अपसत तन्मय जगत दशम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोकटी अच्छा सब से चिंता करुला मोर मृत्यु आस मृत्यु मोर मृत्यु यही पशिला बेले खाइला बेले चलला बेले शोला बेले सब जुआड़े जाऊ सब चिंता करुला यह चिंता करुला भगवान को किंतु प्रतिकूल भाव चिंता करुला तेणु सब सब भय लग रही आज जो देखीदे कृष्ण को कहले मोर साक्षात मृत्यु मृत्युर भजपते साक्षात भजपते कहले कंस जो देखुं कृष्ण को लगुच ये मोर मृत्यु जम ए लगुच एक कथा कह चीज भाव में घोषारे घोषार कर बुले कहीं अन्य मैंने जानवे प्रकृत मृत्युवरण कर पुणी केत बहुत प्रकार अत्याचार करुला जद मान प्रति सब लुचिकी रही
वसुदेवंकर गोटे पत्नी थिले नंदरे नंद ब्रजरे आउ गोटे पत्नी तांका पाखे थिले देवकी आउ जो पत्नी माने 16 जन पत्नी तांका अछन्ति बोली कह जाय आउ जो 14 जन पत्नी पत्नी से सब लुचिकी रही थिले आउ सब जते जादव माने सब रही छन्ति लक्ष लक्ष संख्या रे जादव माने सब रही छन्ति कि कोट सब लुचिकी रही थिले तेणु से मानकर जो भय थिला से भय चली गला तापर पिता माता उद्धार कले उग्रसेन को राजा करेले ये सब कथा पूर्व मत कह तेणु ये भगवान द्विजात संस्कार हो ना से उपवीत ग्रहण कर तेणु वसुदेव तक द्विजात संस्कार कले से पाठ पढ़ी नथिले ए पर्यंत कौन सी पाठ पढ़ी नथिले से 11 वर्ष होगा कि कौन सी पाठ पढ़ी नथिले तेणु कौटी पढ़े पठेले कौटी की उज्जैन की पठेले उज्जैन थी सांदीपनी मुनि पाक पठेले से कथा कह जा 45 अध्याय वर्णना दशम स्कंध 45 अध्याय वर्णना कर कौन कहते कमी कौन कले ना सांदीपने सकृत प्रोक्त ब्रह्मा द्वितीय सविस्तर तस्मी प्रादात वरम पुत्र मृत पंच जनोदरात सांदीपने सकृत प्रोक्ते सांदीपनी मुनि जो गोटे थर कहते वेद को सकृत कह गोटे थर कहला माने ब्रह्मा द्वितीय सविस्तरम ब्रह्म कहले वेद विषय जो कहते सविस्तरम तार जो विभिन्न प्रकार वेदर सब विभिन्न प्रकार अंग रही षडांग रही वेदर षडांग रही सहित जो कहते गुरुदेव संदीपनी मुनि कहते सविस्तरम सकृत प्रोक्ते गोटे थर कहीदेले से सब मन रख दौले गोटे थर सकृत प्रोक्ते तेणु आमर वेद में कह जा 64 कला रही 64 शिक्षा रही 64 प्रकार शिक्षा रही आपण मैने प्रभुपाद महाराज जो रही परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण से देखिए 64 कला विषय वर्णना कर कौन कौन सब शिक्षा दूसरे 64 कला तेणु 64 दिन में 64 कला से हासिल करदे 64 दिन में सब पाठ पढ़ी गल 64 दिन में 2 मास 4 दिन 64 दिन एवं पाठ सरीगला आउ किसी ना बाकी भगवान प्रकृत सब ज्ञान पाकर अच्छी आचार्य मैंने कहती जो संदीपनी मुनि जो कृष्ण बलराम को शिक्षा दौले जो सन्देह था सब दूर हो जाऊला शिक्षा देवा मध्यम सी कौन शिष्य सन्देह दूर करेंगे तांकर निजर सन्देह दूर हो जाता वेदरे बहुत प्रकार कथा रही जो सन्देह आसव भगवत गीतार भगवान कहते भागवत कहु भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्वसंशया यही भाव जो आम सब श्रवण कर नित्यं भागवत सेवया ये गोटे स्तर आसो जो आम हृदय ग्रंथि भेद कटिज हृदय ग्रंथि छिन्न हो एवं छिद्यते सर्वसंशया आउ कौन संशय रहा कौन डाउट रहा छिद्यते सर्वसंशया तेणु जदिओ संदीपनी मुनि गुरु सी शिष्य सन्देह को दूर करने कथा किजर सन्देह सब रही कितु जो शिष्य को शिक्षा दौर सन्देह दूर हो गला आचार्य मैंने यहाँ कहते ये भगवान शिक्षा ये भाव तस्मी प्रापर से विदा नापी चाहिए गुरुदेव शिक्षा देदे आउ किसी नहीं पाखे शिक्षा देवाई तेणु शिष्य को विदा शिष्य विदा नापी चाहिए तेणु शिष्य पचारे कृष्ण बलराम पचारे गुरुदेव कौन आम आप दक्षिणा देवु मोर किसी दक्षिणा दरकार ना तुम्हें मोर शिष्य होती मुझे धन्य हो गली तुम भाई व्यक्ति मोर शिष्य होती मैंने मुझे धन्य हो जा जानते भगवान बोली संदीपनी मुनि ये ज्ञान रही भगवान जानवे ना से शिष्य हो महाप्रभु भगवान शिष्य गुरु होते ईश्वरपुरी ईश्वरपुर जानते हो भगवान बोली ये सब कथा रही गर्गाचार्य गर्गाचार्य जो जा नामकरण करने से कहले ये हूँ भगवान कृष्ण ये कौन आसन वर्णास्थ्य गुणतनु जुगतनु ये हूँ स्वयं भगवान किंतु ये नामकरण कले नंद महाराज भाविले ये नारायण के भली रही शक्ति रही
किंतु ये जे नारायण जे आंकर किसी शक्ति प्राप्त होती सीटा से बुझीपारे ना एभली भाव कथा कही गर्गाचार्य तेणु से कहले मोर दरकार ना कि दक्षिणा मुझे धन्य हो गली तुमको शिष्य कर दशम स्कंध 45 अध्याय ये विस्तार भाव वर्णना कर छंदाय महासत्व नृप से मना कले पुणी कहले भाव प्रलोभन देखले से बाध्य कह ठीक अच्छे मोर तो किसी दरकार ना तुम जो कह मु गुरु माँ सहित आलोचना करी तुम गुरु माँ सहित आलोचना कर कौन दरकार दक्षिणा कौन दरकार तेणु से दिन रात आलोचना कले कृष्ण बलराम शिक्षा से जाइर के कौन सब घटना हो जाए गोटे थर बण को जाइले काठ आने कि वर्षा है सब कथा रही सुधामा थे से दशम स्कंद 80 अध्याय वर्णना करते जा सुदामा भगवान पाखक से समय से कथा से कौन दुईटी अध्याय सुदामा लीला टी वर्णना कर सब कथा अनेक लीला सब रही तेणु ये कहते हैं प्रलोभन हाँ पचारे संदीपनी मणि पत्नी को पचारे कृष्ण बलराम शिक्षा श्रेय से जा से विदाय ने चाहते कौन दक्षिण दक्षिणा देवाई कौन मागवा दक्षिणा से कहले तुम्हें कौच सी होती भगवान बोली जिनस मागवा जहाँ किपरें ना कौन मागवा ना आम जो पुत्र मृत्युवरण कर मृतपुत्र को मागवा मृतपुत्र को देवे भगवान असंभव को संभव करें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ये होंगे भगवान तेणु ता परदिन संदीपनी मुनि कहले आम पुत्र मृत्युवरण कर प्रभास क्षेत्र में तुम्हें ताक फेर आण आ भितर अनेक वर्ष हो जाए पुत्र मृत्युवरण करार अनेक वर्ष हो जाए पिला दिन से समय से मृत्युवरण कर अनेक वर्ष बीती जा किंतु सीट कथा कौन कौन तस्मी प्रादात बरंग पुत्र तेणु तुत्र को प्रदान कले किभली प्रदान कले मृतं पंच जनोदरात तेणु कृष्ण बलराम से गले गुरु विदाय नहीं प्रभास क्षेत्र को गले जो समुद्र रे तांकर पुत्र मृत्युवरण करते तेणु से पहुँची गले वरुण देव आसिक हाथ जोड़ी प्रणाम कले प्रभु कौन आम आप सेवा करूँ ना आम गुरुपुत्र प्रदान कर शीघ्र ना प्रभु मुझे जानी ना किंतु मोर ये जड़े गोटे असुर रही पांचजन्य असुर रही सी नहीं थी पारे तेणु भगवान कृष्ण एकुटा डेईले समुद्र भितर डेईले डेक पांचजन को बद कले से तारी से शरीर ये पांचजन शंख बाहर भगवान शंकर नाम हूँ पांचजन्य हाँ पांचजन्य ऋषि केश देवदत्त धनंजय ये सब भगवत गीत कह जाए ना शंख तेणु देखिले से पिला ना भगवान को अद्भुत लीला तेणु भगवान कृष्ण बलराम रथर चढ़ी जा पहुँचीगले संजीवनी पुरी जमराज पुरी पहुँचीगले से शखनाद करदे जो अन्य शास्त्र सब वर्णना कर नर्क निकटे रही थे शखनाद शुणिकी नर्क जो मैंने सब थे अनेक बहु काल धरिकी रही थे जंत्रणा पाते छटपट छटपट होते सब भगवत धाम को गले ये सब अन्य गर्गा संगीता इत्यादि सब वर्णना कर तेणु जमराज आसी पहुँची गले जमराज आसी प्रणाम कले प्रभु कौन आम आप सेवा करूँ ना तुम कौन सी विचार न करी आम गुरुपुत्र को प्रदान कर प्रकृष्ट रूपेण प्रदान कर प्रदान कर अर्थ हो कौन ना जो बयस छोट बयस मृत्युवरण करते बयस प्रदान कर आ भर अनेक बयस चली जाए कि जमराज आणिकले आचार्य मैंने टीकार कहते जदि भगवान शंखर नर्क नर्कवासी मैंने सब उद्धार पाईले ये किमी रहीगले जमराज तुम स्पेशल आरेंजमेंट करते तेणु से आणिक देले जो बयस समुद्र से पतन होते से ही बयस आनीदे आचार्य मैंने सब टीकार कही तेणु देखिक पितामाता के आनंद तेणु भगवान कहले आउ कौन आम देव आपन को आउ किसी बर ग्रहण आउ किसी दक्षिणा नियंतु ना मुझे बहुत सन्तुष्ट एगुड़ा सब कहीकि विदाय कले 45 अध्याय एक कथा कहु तस्मी प्रादात बरंग पुत्र मृतं पंच जनोदरात
भगवान फेरिले कोठिकी ना मथुरा को मथुरा से समय थे मथुरा रहीकि 46 और 47 ये दुईट अध्याय वर्णना करमी से पठे उद्धव को वृंदावन पठे उद्धव को कहुए भागवत में तीन जन हरिदास नाम रही तीन जन हरिदास जन होती युधिष्ठ महाराज दशम स्कंद 75 अध्याय विषय कहुई राजस्व यज्ञ जो करते ये देवता माने मुनि ऋषि माने राजा माने ये भाव आप्यायित होते हैं प्रशंसा करते प्रशंसा कले से तृप्त हो पार ना राजस्व महोदय हरिदास कौन राजस्व महोदय हरिदास हरिदास युधिष्ठिर महाराज को हरिदास बोली कहु से कहीं से भाव युधिष्ठिर महाराज तक आप्यायित करते नैव त्रुपन प्रशंसत से मैंने जो फेरिक युधिष्ठिर महाराज प्रशंसा कर गुणगान कर तृप्त हो पार ना ना मर्त्या पीवन अमृत यथा मृत्यु व्यक्ति को मृत व्यक्ति को जदि अमृत प्रदान करा जाए जब सी के तृप्त हो पार ना से भाव से हरिदास बोली कहुए युधिष्ठिर महाराज को हरिदास बोली कहुई तापर यलीस अध्याय जो उद्धव जाती वृंदावन को गले 11 मास काल रही से 11 मास काल रही से कौन कले भाव ब्रजवासी मैंने भगवान विरह क्रंदन करुले आम शुणु दशम स्कंद 31 अध्याय कथा भगवान थिला बेल किभ क्रंदन करुले आज जो भगवान चलीगला किभ क्रंदन न करुवे सी चिंता करूँ किंतु उद्धव एभली भाव भगवान गुणगान कले कह सरित बन गिरिद्रोण विक्ष कृष्मित ध्रुवान कृष्ण संस्मरण रेमे हरिदास ब्रजोकसम यदिओ से मथुरार प्रधानमंत्री थे किंतु 11 मास काले आसी रहीगले वृंदावन 11 मास काल भगवान तक पठे दिने दुई दिन रहीकि आसपाई दूत हिसाब से पठे थे कि रहीगले 11 मास काल ए लीलाटी को विस्तार भाव वर्णना कर 46 और 47 गोपी माने भगवान विरह जो तर भाव देखते ये जो आम कहते प्रथमे उद्धव उद्धव बुद्धिसतम बुद्धिमान व्यक्तिमान भितर श्रेष्ठ थे सी हो बृहस्पति शिष्य तर ज्ञान फेल मारा तेणु से गोपी मान पादरेणु को वंदना कर वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु अभीक्षण सह कौन जासा कृष्ण कथत गीतम पुनादि भवन त्रयम गोपी मान जो कथा सब रही भागवत विभिन्न स्थान रे गोपी मान गीत सब रही विरह गीत जुगल गीत प्रणय गीत यह विभिन्न प्रकार वेणु गीत अनेक प्रकार गीत रही गोपी मान कथा महाप्रभु पूरी में आसते 25-24 वर्ष काल रही ओडा आम से कौन कटक दे जाती कटक रही तेणु से गोटे रथजात्रा समय रे भगवान रथ टाणी टाणी करी विश्राम नहीं जो आम बड़गंडी निकट में बर्तमान जो रही राय रामानंद से स्थान बर्तमान जो रही स्टाण बस स्टाण जो से स्थान सीटा तेणु से समय राजा थे प्रतवृत देव तेणु सी गोटे वैष्णव बेस भगवान पाद सम्मान करुले पाद सम्मान करो दशम स्कंद 31 अध्याय ये जो रही गोपी गीत गान करुले 19 श्लोक अच्छा नवम नंबर श्लोक को जो गान करुले तब कथामृत तप्त जीवन कवि विरीडितं कर्म सापहं श्रवण मंगलं श्रीमदातम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना प्रति कहीदेले महाप्रभु कुंडे पके भूरिदा भूरिदा कही कुंडे पके एभली रही गोपी मान कथा त्रिभुवन को पवित्र कर दौर तेणु ये जदिओ हरिदास बोले कहुई किंतु सी कहते प्रकृत भगवान श्रेष्ठ भक्त हो गोपी मान तेणु से पादधूली को कामना कर गोटे श्लोक अच्छा दशम 47 अध्याय तेणु यही भाव जो रही
तापर भगवान तेईस वर्ष अठर वर्ष काल मथुरार जो रे प्रति वर्ष जरासंध तेईस अक्षुणी सैन्य आणिकी आसूला तेईस अक्षुणी सैन्य कहले पचास लक्ष तीस हजार सैन्य आणिकी आसूला केते पचास लक्ष तीस हजार प्रति वर्ष तेईस अक्षुणी सैन्य गोटे अक्षुणी सैन्य हूँ दुई लक्ष अठर हजार सतश गुणिले आस पाखापाखि ये आसो तेणु यही भाव अठर वर्ष काल चलीगला तेणु तापर जरासंध जो अठर थर पर आक्रमण करमय भगवान पलायन कले गोटे कारण रही तेणु से पल से भगवान गोटे नाम हो रणचोर द्वारकारे से मंदिर रही ए हाँ गुजरात से रही रणचोर हिसाब से पूजित होती भगवान भगवान जहाँ कले पूजित के निंदन हे ना जिते निंदन कार्य कले से पूजित है भगवान भगवान भगवत्ता हूँ ये भाव आम जिते प्रशंसन कार्य कले निंदित हवा कि भगवान जिते निंदित कार्य कले से प्रशंसन हे प्रशंसित हे ये भगवान सबकि दिव्य तेणु भगवान जो गले द्वारका गले द्वारका रे से कौन षोल हजार शहे आठ राणी को विवाह कर बावन अध्याय आरंभ करी अठावन अध्याय पर्यंत ये सातटी अध्याय भगवान विवाह लीला वर्णना करोल हजार शहे आठ राणी विवाह कर तेणु से कथा को संक्षेप ये कौन कौन ना समाहुता भीष्मक कन्याया जे श्रिय सर्व सवर्णिना बुभुषयेषां गंधर्ववृत्या मिषतां सुभागं जह्नि पदं मृध्नी दधत् सुपर्णः। प्रथम जो भगवान विवाह कले रुक्मिणी को जो विवाह कले तीनोटी अध्याय वर्णना कर बावन तेपन चौवन तीनोटी अध्याय वर्णना कर आउ सब लीला को एत विस्तार भाव वर्णना कर कारण जदि प्रति विवाह को तीन तीन टी अध्याय ने षोल हजार शहे आठ राणी है ये राणी मैंने केमी भगवान सहित बहुत करते ये भागवत वर्णना करो बहुत प्रसंग वर्णना कराएना कि दशम स्कंद पंच तेयासी अध्याय वर्णना कर राणी मैंने कही द्रौपदी को जो रही कुरुक्षेत्र गोटे पड़ा सूर्य पराग समय यह सब राणी मैंने सब कौन द्रौपदी को दशम तेयासी अध्याय वर्णना कर भगवान सब बहुत करते षोल हजार शहे आठ राणी ये संक्षेप कहु समा रुक्मिणी कथा कौन समाहुता भीष्मक कन्या जे श्रिय सवर्णने सवर्णीन भूषा सारा पृथ्वीर राजा मान सब आसी गोटे कौन मिलिटारी क्यांप हो जाता भीष्मक कहले जो रही वर्तमान नागपुर से समय थिला कौन से जगहटा ना कुंडिनपुर कुंडिनपुर से रुक्मिणी देवी विवाह रही रुक्मिणी देवी भगवान कथा शुणिक भगवान विवाह करने चाहते मुनि ऋषि मैंने भीष्मक भाव जन थे कौन भगवान भक्त से सब मुनि ऋषि मैंने आसी भगवान गुणगान करुले ये गुणगान शुणिक रुक्मिणी देवी भगवान को स्वामी रूप से वरण करते किंतु तांकर जो भाई रही किए ना रुक्मी से चाहूले शिशुपाल को बहुत शिशुपाल से कहते कृष्णकर कौन भल गुण ना तेणु राति पाइले से बहुत कर शिशुपाल सब बहुत कर्मपद सब हो जाता किंतु भीष्मक कन्या कहले रुक्मिणी देवी पठेले रुक्मिणी देवी हूँ सीता देवी जो भगवान कृष्ण तृतीया युग में रामचंद्र रूप से आसते जो पत्नी थी सीतादेवी से सीतादेवी आसमान रुक्मिणी देवी रूप से तेणु से गोटे चिठी देते जो चिठी सातटी श्लोक थे सातटी श्लोक को भगवान कृपा करके आम मानको शुणाऊँ से भगवान निजे गोपन पढ़ले ना गोपन कलीला जड़े कौन जड़े प्रेमिका जड़े प्रेमिक पाक चिठी लिखुंस आ देख कि भगवान देखे
रुक्मिणी देवी जो चिट्ठी लिखी थे सातटी श्लोक रही सेटा को भगवान निजे न पढ़ी से ब्राह्मण को कहले पढ़ापी यही माध्यम आम सब जाणी केमी आम भगवान भल पाइबा ये सब शिक्षा दि जाऊ तेणु ये जो रही चिठी देते भगवान गले राताराति जाए पहुँचीगले द्वारकारु नागपुर जाए पहुँचीगले बर्तमान नागपुर जो महाराष्ट्र रही नागपुर से गोटे इस्कन केन्द्र कराई नागपुर हाँ सी पहुँचीगले सब राजा मान सब देढ़ मास काल रही थे सेठी का कृष्ण आसीजे बाधा देवाई कि बहुत पूर्वर जोबले रुक्मिणी देवी जाऊँच गोटे विराट प्रोसेसन जाकर जो रही देवी रही दुर्गा देवी ताकि पूजा करने जा सैन्य मान सहित जा पूजा कर सारी जो आसुंच रुक्मिणी देवी कौन कले कृष्ण कौटी अच्छे देखापाई ओढ़ा टेकीदे ये मैंने सब राजा सब प्रस्तुत होकर रही खड़ग खड़ग धरिकी किए रथ उपर किए अश्वर किए गज उपर सब प्रस्तुत होकर रही सावधान होकर रही सावधान पोजिशन विश्राम नहीं ना का कृष्ण आसवे आम बाधा दवा हत्या करने रही सब विश्वर राजा मान सब आसते किंतु जिते बड़े रुक्मिणी मुख देखी प्रकृत रुक्मिणी आचार्य मैंने कहते रुक्मिणी मुख से देखिपारी ना कहना रुक्मिणी देवी होती ये कौन ना सच्चिदानंद शरीर हूँ किभ भाव ना अप्राकृत शरीर ए प्राकृत शरीर व्यक्ति मैंने देखिपारे ना तेणु रुक्मिणी देवी जो सौंदर्य रही तार केवल माया रूपटी से देखीदे देखीदे कि सब पड़गले ते ते पड़गले देखीदे से कौन युद्ध करेंगे ए भगवान रथरे आसिले एवं रुक्मिणी देवी को हाथ धरिकी नहींगले समस्त सामने नहींगले भगवान यही भाव भगवान बहुत कथा रही तीनो अध्याय वर्णना करा भाव अनेक विवाह ये रुक्मिणी देवी कथा कहते यही भाव अनेक विवाह सब रही षोल हजार शहे आठ राणी की बहुत करेंगे आम श्लोक पाठ करवा ना समय कम रही संक्षेप कहीदबा यही भाव प्रथम पत्नी होती रुक्मिणी देवी बहुत धूमधाम पालन कराऊ द्वारका सब घरे जो वर्णना कर सब घरे भगवान जो बहुत होता गोटे स्थान रोला किंतु समस्त द्वारकावास भावर गृह बहुत होगवान लीला होती भाव समस्त भावुं आम पुत्र बहुत हो भाव सब घर भावुं आम गृह बहुत कि भल पाते भगवान को कृष्ण को कितने बहुत बड़ भाग्यर कथा भगवान लीलार से सामिल होती से भाग्य आमको प्रदान करमें मध्य जो कथा शुणुचे भगवान सहित संगलाभ करे ये हूँ अद्वय ज्ञान दुई प्रभुपाद महाराज कहती आचार्य मैंने कहती दुई प्रकार आम संगलाभ करे बपुसंग बाणी संग जो आचार्य मैंने रुहतर आम बपुसंग करे किंतु जिते चली जाती से आम बाणीसंग करे आज आम सबुदिन ये कटक केन्द्र व्यवस्था कर सबुदिन प्रभुपाद बाणीसंग प्रदान आजिकर कौन थी आजिकर आज दिन में प्रभुपाद बाणी कौन थी बाणीसंग आम कर प्रभुपाद कथा माध्यम आम से भगवान संगलाभ कर बाणीसंग करे जा यह भाव में तीनो अध्याय जो लीलाटी बर्णना करतापर द्वितीय बहुत क्या कले ना क्या कले ना जो रही किए ना चौंती जो रही भगवान रामचंद्र पार्षद जो थे भल्लुक जाम्बवान जाम्बवती जाम्बवती को बहुत कले द्वितीय जाम्बवती बयस के जाम्बवती होती जाम्बवान कन्या जे जाम्बवान भगवान रामचंद्र पार्षद थे पूर्वर मध्य जाम्बवान बहुत भगवान अवतार सब देखी अनेक अवतार देखी भगवान जो बामन देव रूप आसुले समग्र विश्व को परिभ्रमण करते भगवान बामन देव गुणगान करुले कन्या से चाहूँगे भगवान रामचंद्र को बहुत देवाई किंतु भगवान रामचंद्र एक पत्नी व्रता एक पत्नी व्रत धारण करेणु से कहे तुम अपेक्षा कर तेणु से कौन तपस्या करुले
आज भगवान आम कही कि भाव में ये सब कथ आम आगु थर कही बोधे कथे अठाईस दिन अठाईस राति नन स्टप युद्ध कले जम्बवान सहित से गुंफारे ए समतक मणि प्रसंग आसवे कथा जितेबले छप्पन अध्याय वर्णना करते भाव में अठाईस दिन काल दिन रात चबीस घंटा नन स्टप कौन खाद्य ना कौन पानी ना कौन विश्राम ना युद्ध चल युद्ध कलापर जम्बवान जान ली मोर प्रभु दशम स्कंद छप्पन अध्याय कह जाने तांग सर्वभूताना प्राण ओज सह बल विष्णु पुराण पुरुषं प्रभु विष्णु मधीश्वरम प्रभु मुझुची आपण हूँ से मोर प्रभु से रामचंद्र तेणु ये जो समतमणि से समतमणि कथा पर कथा आसव समतमणिटा को समतमणि जो सतरा जी पाई प्राप्त होते प्रचार कले जे कृष्ण ये चोर थिला पिलादिन चोर थिला मोर संपद समतमणि मुझे जो आन आसती मत से कही समतमणि को दवापाई राजा को दवापाई मुझे नी आज सी समतमणि को चोरी करो भाई को हत्या कर द्वारका गुजब सृष्टि कले तेणु भगवान गले द्वारकावास मांग सहित जाकरी से गुंफा निकट पहुँचक अठाईस दिन काल से युद्ध कले द्वारकावास मैंने से गुंफा द्वार रही थे भितर गले बार दिन काल रहीक फेरी आसे से भाविले ये बोध मृत्युवरण कले आसिक भगवान प्रथम बहुत करते रुक्मिणी को वसुदेव देव को खबर दे घटना से फेरिले ना कहीकिरी द्वारका गोटे दुर्गा देवी मंदिर से सब क्रंदन कर द्वारकावासी मैंने विशेष भाव रुक्मिणी देवी वसुदेव एवं देवकी क्रंदन कर समय भगवान कौन कले जाम्बवती को बहुत करी कर मंदिर दुर्गा मंदिर ये सब कथा द्वितीय बहुत भगवान तापर से समतमणि आणिले सतराजी को फेरिले सतराजी को खबर दे गुजब करता कृष्ण ये समतमणि को चोरी कर समतमणि प्रसंग बहुत कथा अच्छे समतमणि विषय तेणु कौन कले समतमणि गोटे कथा खाली तार महिमा कह प्रतिदिन से आठ भार सुना सृष्टि करूला आठ भार कहले पखापाखि 78 के जी प्रतिदिन 78 के जी सुना से दौला तेणु भगवान से समतमणि को प्रदान कले तेणु सतराजित निजको बहुत अपराधी भी भाविले अपराधर केमी ख्यान हम चिंता करी कन्या सत्यभाम को प्रदान कले भगवान तृतीय पत्नी भगवान चतुर्थ पत्नी होती किए ना सी हूँ कालिंदी भगवान गले भगवान पांडव मान से समय रही थे कौटी ना से समय रोते खांडव प्रस्तरे तेणु भगवान जो गले से जाकि से खांडव प्रस्त को इंद्रप्रस्त करदे इंद्रप्रस्त करदेकि कालिंदी को बहुत कले आम से कहते जे केते महाभारत केते योद्धा मृत्युवरण करते हूँ कोटे 68,20,000 एति रही प्रभुपाद महाराज मत गोटे स्थान में कही देखु थी भागवत लिखाई ये सब यहाँ जन आम गौरकृष्ण महाराज कहते तेणु यही भाव में तृतीय बहुत करते सत्यभामा को सत्यभामा को बहुत करते चतुर्थ बहुत कले कालिंदी को कालिंदी होती यमुना देवी दुईट प्रतीति रही गोटे हूँ नदी रूप से रही आ गोटे हूँ भगवान प्रेयसी जमराज भौणी जाणा भौणी जम एवं जमी सब रही चतुर्थ बहुत कले कालिंदी को आउ चारि विवाह करिसंदी 5-8 एवं से विभिन्न राजकन्या मान सब बहुत करिसंदी एबळी भाव में 8 जन कन्या को सब बहुत जो करते गोटे गोटे कर विवाह करते दशम स्कंद 58 अध्याय से लीलाटी को विस्तार भाव वर्णना करी भाव में अगर सब राणी मान को ग्रहण करते तेणु 69 अध्याय वर्णना करी भाव में भगवान गले नरकासुर पाखकु नरकासुर होती भगवान पुत्र ये हूँ भूमिदेवी पुत्र से भौम भौमासुर कहुए जदि भगवान पुत्र किंतु असुर कारण ये असत्संग फल से असुर हो जाता तेणु एमती देवता मानकर सब संपत्ति चोरी करी आनी
तेणु इंद्र आसिक प्रार्थना कले भगवान नहींक गले सत्य सत्यभामक नहींक गले नरकासुर जो नरकासुर हूँ स्थाना कौटी ना आसाम आसाम जो रही स्थान से राजधानी सेठी गले नरक नरकासुर देवता मैंने भय करें से स्थान को जीवापी इन भाव सब रही सुरक्षा सब रही दशम स्कंद 69 अध्याय वर्णना कर प्रसंग वर्णना कर मूर दैत्य को सी भगवान हत्या कर मधुमूर नरक विनाश नए सब रही हत्या कर नरकासुर को हत्या करते तेणु 16,100 कन्या को सी जो बंदी कर रखी से 16,100 कन्या को पठेले द्वारका को पठेले समस्त चाहिए भगवान बहुत करने तेणु से द्वारका को पठेक निजे गले सत्यभामा सहित स्वर्ग को गले स्वर्गर राजा इंद्र आसी भगवान प्रार्थना करते तेणु से जाकर जो संपत्ति सब हरण करते सब प्रदान कले फेरला बेले सत्यभामा चाहूले स्वर्गलोक जो रही इंद्रपुरी गोटे रही वृक्ष पारिजात वृक्ष बहुत सुंदर फूल रही बहुत सुंदर सुगंधित रही किंतु से चाहूले से पुष्प नवापाई तेणु भगवान इच्छा रे गरुड़ कौन कले से गच्छ को आणिक आसुले तेणु इंद्र एवं देवता मान सब मिसिक भगवान से युद्ध कले देख से कहुए मुहती सूर्य भगवान लीला है मोहते समस्ते तेणु भगवान सहित कौन से युद्ध करेंगे भगवान आसिले आसिक द्वारका एक गोटे मुहूर्त रे समस्त 16,100 कन्या से पा ग्रहण करते द्वारका समस्त गोटे गोटे महल सृष्टि होता तैयारी विराट विराट महल तुम खाली घर जो था उद्यान सब के कौन सब रही भागवत वर्णना कर सब विस्तार भाव वर्णना कर सब बहुत करते 16,108 राणी को सब बहुत करते सी तापर कहते बहुत करपर कौन कले ना आम कही कि भाव सब विभिन्न असुर मान को सब से हत्या करुले भगवान जो आसती भूमिर भार हरण करने तेणु अंतिम भगवान ये महाभारत युद्ध रचना कले जो थे कि कौन कोटे कोटे 68,20,000 मृत्युवरण करते अवश्य 18 अक्षणी सैन्य थे कि अन्न केमी कौन होटा गोटे कह जाए किंतु ये एम सब भूमि बाहर थे भूमि बाहर थे भूमि से भगवान प्रार्थना करने जाते भूमि बाहर सही पारे नु जाते किंतु भगवान एत सब हत्या कलापर से चिंता कर भूमि बाहर किसी हालुका होना कहीं जादव सैन्य मान सब जादव मान सब रही जादव मान निज जन किंतु ये श्लोकटी अच्छा दशम स्कंद 14 अध्याय कहते ये 14 नंबर श्लोक कहते तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय 14 नंबर श्लोक कहते कियान भुवोयं कपितोरु भारो जद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूले अष्टादशा खैनिको मदंसु आस्ते बलं दुर्विषहं जदुना 18 अक्षणी सैन्य को सब मृत्युवरण करते महाभारत युद्ध कि भगवान भावुंट ये किसी है ना जादव मैंने सब रही पृथ्वीर बाहर जादव मैंने ये किए कौन एक कथा कौन उद्धव कौन विद्रु उद्धव कौन जादव मैंने भगवान चिंता कर पृथ्वीर बाहर भगवान निज जन जादव 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 मैंने भगवान निज जन सी कमी बाहर हे तेणु आचार्य मैंने तार समाधान कर विशेष भाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तार समाधान ये भाव कर दुई प्रकार भार रही कौन कौन गोटे हूँ बहुत आनंदर भार गोटे हूँ सुखरूप भार आ गोटे दुख रूप भार ये असुर मैंने सब दुख रूप भार किंतु जादव मैंने सुखरूप भार सुखरूप भार कि भाव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तार गोटे उदाहरण दे चार प्रकार उदाहरण दे जमी युवती स्त्री उपरे स्वामीर भार
से बहुत आनंद से बाहर को ग्रहण करती सहती से भाई भाव माँ उपरे पुत्र भार से भाव धनी व्यक्तिर उपरे धनर भार आ गोटे चोर चोर उपर चोरी भार से बहुत आनंद से लगे भारटा से भाव यही भाव ये कह जाए तेणु भगवान यह व्यवस्था कले जे कौन है से मैने शाम को गोटे कन्या बेश पकईकि पिंडा ये आगुर मत कही पिंडारिक क्षेत्र में मुनि ऋषि मान को कहले मुनिवर ये कन्या जनक गर्भ कौन अच्छी पुओ ना कन्या पुओ पुत्र हम ना कन्या हम टे आप तेणु से मैंने मुनि मैंने जापारे ये मत कविता भी कह श्लोक रही मत कविता भगवान इच्छा अनुसार मुनि ऋषि मैंने निज जन को पुत्र सांब ये जांबवती पुत्र सांब तेणु भगवान चाहूंगे मुनि ऋषि मैंने अभिशाप दिं तेणु से मैंने दस एकादश स्कंद प्रथम अध्याय वर्णना कर प्रलुब्धा मुनय तानुच कुपितानूप जनयति बो मंदा मुसलन गुणना आसनम आरे मूर्ख माने ये जो आगर गर्भर गोटे मुसल रही जो मुसल तुम कूल को नाश कर एक जो पिला शुणीदे भय करगले तेणु से तार लुगा खोलीदेला बेलू से मुसल टी बाहर भगवान व्यवस्था तेणु राजा उग्रसेन को दे मुसल को दे पाने दे उग्रसेन कृष्ण को किसी कहले ना भीम को डक पठेले भीम को डक पठेक से मुसल को से चूना चूना करदे कर छुटिया खंड थी फिंगीदे तेणु ये जो चूना चूना हो गला से आसिक प्रभास क्षेत्र में गोटे घास भाया रही ये जो छोट खंड रही गोटे मछटे बिड़ी से मछ को जरा नामक धरी से सी ई कर भगवान को सी तीर मार यह भाव सब रही कथा तेणु ये जो रही भगवान भगवान सब जानती भगवान विचार यहाँ हो तेणु भगवान कहले देख तुम उपरे ब्राह्मण मान अभिशाप रही तुम जाकि द्वारका को ये अभिशाप खेलन करने सब दान धर्म कर यज्ञ इत्यादि कर ताल तुम अभिशाप रू खेल मुक्त हो पार तेणु जाधव मैंने आसिले ये बहुत बहुत गुप्त लीला यहाँ भागवत मतलब वर्णना कराए सब कथा आचार्य मैंने टीकार कही कौन एम जो आसी द्वारकावासी मैंने भगवान निज जन कि द्वारकावासी मान शरीर में स्वर्ग देवता मैंने आश्रय नहीं तेणु ये जो ये मैंने सब आसिले द्वारकावासी मैंने आसिले प्रवास क्षेत्र को मूल जो द्वारकावासी मैंने से रहीगले से द्वारका चलीगले किंतु देवता रूप से जो मैंने आसी आसी प्रभास क्षेत्र में आसी पहुँचगले पहुँचिकी सब यज्ञ कले दान धर्म कले खावा पावा दे बहुत दान कले कर सारिकी आज्ञा नहीं खाद्य ग्रहण कले कि सही समय ये सब बारुणी मदिरा पान कले मदिरा पान कर झगड़ा कर मृत्युवरण कले यू आचार्य मैंने कहते ये जमी जादूकार जादूकार रही थी जमी देखो थोड़ा पु को मारिदे छुरी मारिदे थी मरीगला कि प्रकृत कि तार ये से भाव जदुवंश ध्वस हो महाप्रभु कहते सनातन गोस्वामी को यहाँ हूँ मायामय लीला यू समेत बुझीपर ना तेणु यही भाव द्वारकावासी मान को निज निज स्थान को पठे देकी भगवान आसिक प्रभास क्षेत्र में गोटे छोटिया अशुत वृक्ष मूल में आउजिक बस बहुत प्रसन्न चित्तर ये तृतीय अध्याय को आम संक्षेप कहले चतुर्थ अध्याय आरंभ करने पूर्व दुई मिनट भगवान नाम कीर्तन करवा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम
जय गौर हरि वो तेणु भगवान तांकर लीला शेष करवा पूर्व एकादश स्कंद षष्ठ अध्याय वर्णना कर देवता माने ब्रह्मा शिव आदि देवता माने आसी भगवान स्तुति कर प्रभु आपण 125 शरद 125 वर्ष रु ऊर्ध आपण ये लीला कर सारे आपणकर शेष हो जाए जो आप डाकिलु आपको अनुरोध करूँ आप सब कार्य कर सारी आप चाहिए आप धाम को जापारती एकादश स्कंद षष्ठ अध्याय सब वर्णना कर तेणु भगवान कहले मोर आज किसी कार्य बाकी रही मुझी ये सब कही तेणु उद्धव को कहले तुम उद्धव आज ठीक सात दिन रे ये द्वारका नगरी बुड़ जीव तुम्हें जाओ बद्रीनाथ को जाओ बद्रीनाथ जाकि नर नारायण रही से भगवान मो कथ कह पठे किंतु उद्धव जापारे भगवान लीला शेष करेंगे तेणु सी भगवान कहले मत से गले ना भगवान जिते बड़े से द्वारकवासी मान आब लीला करुले सी तक पचपचे आसिले पचपचे आसिले आसी देखिले द्वारकारे से जो रही प्रभास क्षेत्र में छोटिया बटवृक्ष रही आउज से बस बाम जंघ उपर डाण पाद रखिकी बस बहुत शांत भाव रही कितने तांकर जादव मान संख्या केते आम थे कही जादव मान संख्या सुखदेव गोस्वामी कौन जादव मान संख्या आम तो कही पारू ना जदुकूल आचार्य मान संख्या होची 3,88,00,000 दशम स्कंद 90 अध्याय वर्णना कर तेणु ये भाव जादू मान सब मृत्युवरण कले तेणु ये जो आस देखिले भगवान को यह भाव बस शांत भाव में तेणु सी तक प्रार्थना कले प्रभु आपण मत नहीं जातु आपण धाम को नहीं जातु मत रखु ना तेणु इति आवेदित हार्दाय 14 नंबर श्लोक कहु 19 नंबर श्लोक इति आवेदित हार्दाय मयंस भगवान पर आदिदेशार बिंदाक्ष आत्मन परम स्थिति यही भाव में जिते से भगवान को अनुरोध कले भगवान कहले देख उद्धव आम चल जाऊ तेणु मो मोर आबसेन्स मोर अनुपस्थित मो कथा किए कह तेणु तुम्हें मो अनुपस्थित तुम्हें मोर कथा कह तुम बद्रीनाथ को जाओ कारण भगवान लीला पुरुषोत्तम सबुठार शोक मर्त पाताल सबुठार से भगवान तक लीला करछंती बद्रीनाथ को जाई नथिले तेणु बद्रीनाथ को पठेले गोटे चिठी देकर पठेछंती नरनारायण पाखक तेणु से कथा कहते उद्धव इति आवेदित हार्दाय हृदय सहित जिते भगवान प्रार्थना कली से स भगवान महंस भगवान पर भगवान जिते अंतिम उद्धव को ज्ञान दौंती से ही समय रे मैत्र मुनि आसी पहुँचे मैत्र मुनि आसी पहुँचे भगवान दुईज को ज्ञान दौंती आउ कि ना दुईज ज्ञान दौंती से ही समय रे उद्धव कौन ये जो ज्ञान दौले भगवान सी मत दे महंस भगवान पर आदिदेश अरविंदाक्ष आत्मन परमा स्थिति भगवान जो गुह्यतम कथा सेटा से उद्धव को कहले आचार्य मैंने कही मैत्र मुनि से जापारे ना ये सब रहस्य सब रही भागवतम रहस्य सब रही तेणु मैत्र मुनि जाणी ना से कमी बुद्ध को कहे उद्धव कहले ना एम सुखदेव मोदी मत कही ना भागवतम तेणु भगवान जो रहस्यमय कथा भागवत वर्णना कर श्लोक आचार्य मैंने टीकार कही बहुत कथा रही तेणु यही भाव में भगवान निज संबंध ज्ञान प्रदान कर मैत्र एवं उद्धव को भगवान ज्ञान दे सारापर उद्धव कौन प्रभु प्रभुंर प्रभु आपणकर लीला आम बुझीपर ना कर्माणि अन्यस्य भवो भवस्यते दुर्गा श्रोथारी भयात् पलायनम कालात्मनजात् प्रमजाजुताश्रह स्वात्मन रते खिद्यते धीर्विधामिह भगवान को सब विपरीत कार्य सब रही बुझीपरिया ना कौन
ना कर्माणि अन्यस्य भगवान जो कर्म करती कौन सी तर आवश्यकता अच्छी बोली कर नुह आम भौतिक जगत देखुचे जिते सब लोग कार्य करना आवश्यकता कि कार्य किंतु भगवान जो करसंदी कौन सी आवश्यकता ना कर्माणि अन्यस्य कौन सी इच्छा मत ना यहाँ कले मुझे टाँग पाइक चलि ना एवं भव भविष्य भगवान जदि आसुंच जन्मग्रहण कर जन्म ना भव अभवश्य जन्म ना कि जन्म नौ दुर्गा श्रोथारी भयात पलायनम कालात्मन जदि से काल स्वयं काल किंतु हरिभय शत्रु भय पलायन कर दुर्गरे आश्रय नौ द्वारका द्वारका दुर्ग तैयारी करते भगवान ये भाव में रुक्मिणी देवी को परिहास एक कही शुणिक रुक्मिणी देवी बेहोश हो जाते ये सब वर्णना कर स्वात्मन रथे प्रमदाजताश्रय जदिओ भगवान कौन सी स्त्री ग्रहण आवश्यकता ना कि कारण से स्वात्मन रथे आत्माराम सीए कि सी 16108 रानी को बहुत करते वृंदावन में कोटि कोटि गोपी मान सुध रासलीला करते तेणु यही जो आम चिंता करवा खिद्यत दीर्विधाम आम बुद्धि नष्ट बुद्धि विचलित हो जाऊ प्रभु यह कहीकि भगवान कहते उद्धव को भगवान पठेबे उद्धव को कौट की ना बद्रीनाथ को पठे बद्रीनारायण पठ जी बद्रीनाथ से उद्धव जी से बद्रीनाथ को जीवे से नरनारायण ऋषि रही नरनारायण ऋषि रही तेणु से पत्र लिखुंत कौन ना नो उद्धव मणुअपी मन्युन उद्धव अणुमात्र मोठ न्यून नुह नो उद्धव अणुअपी मन्युन कहीं गुणी नादित प्रभु गुण द्वारा से प्रभावित हमें ना भौतिक जगत जो तीनो गुण रही तीन गुण भी तो समस्त रही भगवदगीत भगवान कहे न ददस्ती दिव्यांग बा दिव्य दिव्य शिवा पुनः सत्यंग प्रकृति जी मुक्ति जदि भी सी त्रिविगुण भगवदगीता द्वितीय अध्याय आरंभ कर 18 अध्याय पर्यंत भगवान त्रिगुण विषय कहते 14 अध्याय विस्तार भाव में गुण गुणत्रय विषय विषय कहले किंतु जिते कहले मत शेष हो पारे ना तेणु अंतिम ये कथा कहीदे उद्धव ए सरी अर्जुन मुझे गुण विषय कौन कह न तदस्ती दिव्यांग बा पृथ्वी का स्वर्ग दिव्य देवी सुबा पुनः शक्ति प्रकृति जय मुक्ति जदि भी सी त्रिविगुण ये तीन गुण कई ऊर्धर नाते समस्त तीन गुण भी तो रही भाव कही आचार्य टीकार कहते बहुत जिनस कही ना भगवान गुण विषय तेणु सी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि सब अन्य वस्तु सब कही कौटा कौ गुण रही तेणु ये गुण में जो मैंने प्रभावित होना महत् व्यक्ति कौन से मैंने बद्ध जीव नुहत मुक्त जीव गुण द्वारा से प्रभावित भगवदगीता चतुर्थ 14 अध्याय अर्जुन पचारे कई लिंगे त्रिगुणा नेतान अतीत प्रभुति प्रभु किमाचार कथम चेतान त्रिगुणा नति वर्तते केमी जन त्रिगुण ऊर्धक जापर भगवान तार सब उत्तर दौंस जड़े जो मैंने भगवान माँ जो अव्यभिचारिण भक्ति जोगेन सेवते स्वगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते जो मैंने अनन्य भाव में भगवान भजन करेंगे से मैंने त्रिगुण को पार हो पारे ना अन्य कहीं पार हो पारे ना भगवदगीता सप्तम अध्याय मत भगवान कहते दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया माँ में बुझे प्रपद्यंते माया मेतांग तरती दे ये जो गुणमयी माया रही सत्व रज तम तीन गुण रही आपको कहीं पार हो पारे ना किए पार हे माँ मे बुझे प्रपद्यंते एकमात्र मोर शरण जी आसवे माया मेतांग तरती दे से मैंने माया को पार हो पारे त्रिगुण ऊर्धक जापर तेणु ये जो ऊर्धव से ही स्तर थे गोटे कथा कहीदे छोटिया कथा कह समय हो जाए जोबले महाप्रभु लीलार वर्णना कर जड़े आसी प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण कूल से महाप्रभु पाक आसिले महाप्रभु प्रार्थना कले प्रभु मत भगवान विषय किसी कथा कहतु तेणु महाप्रभु तक पठेले तुम जा राय रामानंद पाक जाओ सी तुमको कह तेणु सी आसिले प्रद्युम्न मिश्र आसिले राय रामानंद बर्तमान जो रही रही बस स्टाण से रोते राय रामानंद से कौन है राय रामानंद कौन करते समय
ନା ବହୁତ ଯୁବତୀ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଯୁବତୀ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ତୈଳମର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୈଳଦାନ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଦୁମ୍ନ ମିଶ୍ର କହିଲେ ମହାବୁ ପଠାଇଲେ ଏଇ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିବି କଥା। ସେ ଫେରିଗଲେ ଫେରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିନି ପଳେଇ ଆସିଲି। ନା ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ପଠାଇଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ଯାଇକରି ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଭଗବାନ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୌଧବ ଅଣୁ ଅପି ମନ୍ୟୁନ ଯତ୍ ଗୁଣେଇ ନାଦିତ ପ୍ରଭୁ ଅତୋ ମତ୍ ବୈନଂ ଲୋକଂ। ତେଣୁକରି ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହ୍ୟନ୍ ୟତିଷ୍ଠତୁ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏ 32 ନମ୍ବର ଅପରଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୁରୁଣାଂ ସନ୍ଧିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁନିନା ବଦରିଆଶ୍ରମ ମହାସାଧ୍ୟ ହରି ମିଜେ ସମାଧିନା। ଏ ଶ୍ଳୋକର ଭାଷ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇନଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୁରୁଣା, ଭଗବାନ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକର ଗୁରୁ, ସନ୍ଧିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁନିନା, ବେଦ ଏଭଳି ରହିଛି ଇଏ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସବୁ ଏଥିରେ, ଗୁହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁନିନା। ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁନିନା କହିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ଆମେ ଫେଲ୍ ମାରିଯିବା। ସେଇଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁନିନା, ବଦରିଆଶ୍ରମ ମାସାଧ୍ୟ ହରି ମିଜେ ସମାଧିନା। ତେଣୁ ସେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ, ନରନାରାୟଣ ଋଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯିଏ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ କଥା କହିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକରି ଅନ୍ତିମରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଦୁର ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଦେଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତୁମେ ମୈତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ବିଦୁରଙ୍କୁ ଦେବ, ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବିଦୁର, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଭଗବାନ ଅତିମା ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ମୋ ଭଳି ହତଭାଗାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, କହିକି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଯଦିଓ ତାଙ୍କଠୁ ବୟସ ବହୁତ ସାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ମୋତେ ସେ ଭଗବାନ କଥା କୁହ, ଭଗବାନ କଥା କୁହ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରମୁନିକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୈତ୍ରମୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଥା ହେଉଛି କେଉଁଠି, ନା ବୃନ୍ଦାବନ ନିକଟରେ ମୈତ୍ରମୁନି ରହିଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାରରେ, ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ହରିଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇକରି ସେଠି ସେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେବେ, ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଇଏ ହେଉଛି ମୈତ୍ର ଏବଂ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ, ମୈତ୍ର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବିଦୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସବୁ କଥା ରହିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଚାଲିଲେ ବଦ୍ରିନାଥକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର କଥାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆମର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଯଦିଓ ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୃପା କରିକି ଆମକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେ 6 ଦିନ ଧରି କଥା କହିଲେ, ଆଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ରହିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ କଥା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଥା କହିପାରିବି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଆସିପାରିବି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଭୟ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ଏବଂ 6 ଦିନ ଯାକ କଥା କହିପାରିଲି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଟକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ କଥା 7 ଦିନ ଧରିକରି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯଦିଓ ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କୃପା କରିକିରି ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ।
जदि मोर किसी दोष त्रुटि थी से सब क्षमा करेंगे ये भाव में आम कथा को विश्राम देवा। जय श्रीमद्भागवतम की, जय श्रीलोकपाद महाराज की, जय श्री गुरुदेव की, संवित गौरभक्त की, निधाय गौर प्रमानंदे।